पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले एक और बहुत बड़ा ज़बरदस्त झटका लग गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब बात करते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलना है जो कि 28 अगस्त को इतवार वाले दिन शाम 7 बजे दुबई में खेला जाएगा। तो इस मैच से पहले ही बहुत बड़े मैच से पहले ही पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त झटका लग गया है। पाकिस्तान का एक और बॉलर इंजर्ड हो गया है। पाकिस्तान की उम्मीदें शहीन शाह पर ही टूट गई थी जब शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लीडिंग अटैक पेसर इंजर्ड हो गए और टीम से बाहर हो गए, एशिया कप के लिए पूरे के लिए बाहर हो गए। इसके बाद एक और बॉलर वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि ऑलराउंडर हैं और काफ़ी बैटिंग की भी काफ़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट आई है कि वो बॉलिंग करवाते हुए बैक पेन यानी कि कमर की दर्द को महसूस करते हैं और MRI के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इससे पहले मेन बॉलर जो थे वो इंजर्ड हो गए, अब एक और बॉलर थे जो अभी इनके अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। नैदरलैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 4 विकेट्स हासिल की थी आखिरी मैच में, तो काफ़ी अच्छी स्विंग भी बॉल हो रही थी उनकी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि दो बॉलर्स, मेन बॉलर स्विंग बॉलर एट अ टाइम इंजर्ड हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ज़बरदस्त प्लेइंग 11 खिलाए और पाकिस्तान मैच जीते। उम्मीद करते हैं इंडिया खिलाफ़ पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।